वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है प्रतापगढ़। महीनों पहले क्षतिग्रस्त हुआ ओवरब्रिज आज तक नहीं हो पाया चालू। दो वर्ष पहले ही बनकर तैयार हुआ था ओवरब्रिज प्रतापगढ़ लखनऊ वाराणसी राजमार्ग पर भूमिया मऊ के समीप बना ओवरब्रिज लगभग एक महीने पहले क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके चलते ओवरब्रिज बंद पड़ा हुआ है। आपको बता दें कि ओवरब्रिज क्षतिग्रस्त हो जाने से आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया है। आवागमन बाधित होने के कारण शहर में लंबा जाम लग जाता है, लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहां पर लगे कर्मचारियों से बात की गई तो कर्मचारियों का कहना है कि ओवरब्रिज 15 दिन से बनकर तैयार हो गया है। हालांकि आपको बता दें, वहां लगे कर्मचारी बता रहे हैं ओवरब्रिज बनकर तैयार है। बड़ा सवाल उठता है, यदि तैयार है होने के बाद भी आज तक ओवरब्रिज क्यों नहीं चल पाया। दूसरी तरफ आप वीडियो में देख सकते हैं कि अभी भी उसमें कार्य चल रहा है। कितना दिन से बंद है? दो हफ्ते ज्यादा। तो क्या इसकी रिपेयरिंग चल रही है, कोई प्रॉब्लम? हाँ, काम चल रहा है नीचे। अच्छा, ये अभी 2 साल भी नहीं हुआ है, नितिन कटरे इसको ओपनिंग करके गए। ये हालत है, जर्जर हालत में ब्रिज कैसे था? ये तो उनकी NCC वाले की बात है। 2 साल भी नहीं हुआ, टूट गया ब्रिज, बन रहा है, रिपेयरिंग काम कर रहा है, लोग नीचे से आ जा रहे हैं। कौन सा क्षेत्र है ये? तो भोपी मऊ क्षेत्र है, सराय भैया गाँव। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।